ठीक है, आपने देखा होगा कुछ जो उनमें कुछ लोगों को सामाजिक कार्य करने में ठीक है आनंद की अनुभूति होती है, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो कार्य करते हैं उसमें आपको आनंद की अनुभूति होती है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो देश के लिए कार्य करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो स्वार्थी होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो वही बोला है कि जीने के ढंग का वर्णन किया, दो प्राणियों के जीने का ढंग का वर्णन किया है। पहला प्राणी कौन सा है? बाज है। पहला प्राणी जो है वो बाज है और वो कैसा है? साहसी है, जो अपने प्राणों को हथेली पर लेकर घूमता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसको किसी चीज का कोई डर नहीं है, निर्भय होकर स्वतंत्र रूप से आसमान की सैर करता है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने दो प्राणियों का वर्णन किया है। तो बोला है कि जहाँ बाज जो है वो कैसा है? साहसी, वीर और निडर है, जो निर्भीक होकर निडर होकर स्वच्छंद और स्वतंत्र रूप से आकाश में विचरण करता है। वह आजादी प्रिय है, वह जिंदगी के प्रत्येक खतरे का बहादुरी से सामना करता है। मीन्स एक तरीके से स्वतंत्र रूप से स्वच्छंद रूप से जब विचरण करता है तो उसको अनेक कठिनाइयों का चुपका नहीं रहता, ठीक है, चुपका नहीं रहता। स्वतंत्र रूप से आकाश में जब विचरण करता है तो स्वाभाविक है बेटा कि उसको अनेक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, किंतु वह सभी कठिनाइयों का बड़ा ही बहादुरी से सामना करता है। दूसरा प्राणी कौन है? सांप है, जो समुद्र के किनारे पर्वतों की अंधेरी गुफाओं में रहता है। दूसरा उन्होंने क्या कहा है? दूसरा प्राणी कौन सा है? दूसरा सांप है, जिसको उसने एक तरीके से कहा जाए तो डरपोक के रूप में चित्रित किया है, डरपोक के रूप में दर्शाया है। और कैसा है वो? समुद्र के किनारे जो पर्वत बने हुए हैं उसकी अंधेरी गुफाओं में रहता है। और कैसा व्यक्ति जीवन व्यतीत कर रहा है? एक तरीके से देखा जाए तो कायरतापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है, ठीक है, मतलब चुपकर रहना। सिर्फ एक तरीके से देखा जाए तो लेखक कहना चाह रहा है कि जीवन और मृत्यु जो है एक सत्य है, यानी जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसका मरना जो है निश्चित है। तो एक तो कहना है कि जो बाज है वो कैसा निडर होकर निर्भय होकर स्वतंत्र आकाश में विचरण कर रहा है और बहादुरी से सभी बाधाओं का परेशानियों का सामना कर रहा है। और दूसरा जो है, यानी कि मृत्यु का किसी का भी नहीं पता है, ऐसा नहीं है कि जो सांप है डर कर जो गुफाओं के पीछे पीछे छुपा हुआ है तो वो अमर है, ठीक है, मृत्यु उसकी भी है। यानी कि मैंने वही बोला ना कि तो सत्य है कि व्यक्ति ने जब जन्म लिया है तो उसे मरना भी है, लेकिन वही एक तो निर्भीक होकर स्वतंत्र आकाश में विचरण कर रहा है और दूसरा डर के मारे अंधेरी गुफाओं में सीलन में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो वही समुद्र के किनारे पर्वत की गुफाओं में रहता है और कैसा जीवन व्यतीत कर रहा है? कायरतापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है। वह सोचता है कि वह अपनी गुफाओं में गुफा में एकदम सुरक्षित है और उस गुफा में अपने आप को कैसा सुरक्षित महसूस करता है। जबकि मैंने वही बोला ना, चाहे वो गुफा में आदमी जो मैंने बोला ना, जो कायर व्यक्ति होता है ना, कई बार जो एक डरपोक व्यक्ति होता है, स्वतंत्र व्यक्ति जो एक तरीके से निर्भीक निडर जो व्यक्ति होता है, वो कहीं पर भी चला गया, हो सकता है कि उसकी लंबी आयु हो रही है, ऐसा होता है कि सबको सबसे बचता हुआ भी घर में अटैक ही आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, यानी कि जीवन में कुछ भी हो सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि आप बिल्कुल घर में छिपके और इस तरीके से रहोगे तो आप जीवन के खतरों से बचे रहोगे। जब व्यक्ति की आने होती है, मृत्यु आने होती है, तो सौ बहाने बन जाते हैं। और वह बोलता है, वह सोचता है कि वह अपनी गुफा में कितना सुरक्षित है और भाग दौड़ छीना झपटी की जिंदगी से, यानी कि ना तो किसी प्रकार का कोई उसे किसी के साथ में कोई खतरा है, ना ही वो किसी के साथ कोई लड़ाई में झगड़ा, ठीक है, ना तो घायल होने का डर, ना कुछ खोने का, ना पाने का, मीन्स बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने गुफा में वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो बेटा अब चलते हैं, ये तो मैंने बताया कि किस जो लेखक जो है निर्मल वर्मा जो है
उसने किन दो प्राणियों के माध्यम से उनके जीवन के जीने के ढंग का जो है वर्णन किया है। अब चलते हैं हम पाठ की ओर। पाठ क्या है? समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वतों की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता है। क्या बोला है कि समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वतों की अंधेरी गुफाओं में कहाँ रहता था? चुपकर अंधेरी गुफाओं में रहता था। ठीक है, वही मैंने बोला ना, कुछ लोग जो है, अभी मैंने बोला ना कि अलग अलग प्रवृत्ति के लोग होते हैं। बहुत से गाड़ी चलाने से डरते हैं, बहुत से मोटरसाइकिल चलाने से डरते हैं, बहुत से बस में सफर करने से डरते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे बोलते ना, बहुत सी जो खतरे उठाना नहीं चाहते हैं, क्यों आपसे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो मैंने बोला ना, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, जिसकी जब आनी होती है सौ बहाने बन जाते हैं। तो ये बोला है कि अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था, समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती। क्या है? समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती। जब समुद्र की लहरें उठती और जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ती तो एक तरीके से क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल की तरह लगती है, झिलमिलाती हुई दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती। आपने देखा होगा कि समुद्र की लहरें जो है लगातार चट्टानों से टकराती है और उन चट्टानों को टकरा कर चिपना चूर कर देती है। एक तरीके से कहा जाए तो कहती है कि चट्टाने जो है वो समुद्र की लहरें जो है चट्टानों से सामना करती है और उनके घमंड को चूर चूर कर देती है। एक तरीके से पर्वत का यह कहता है कि मैं स्थिर हूं, मुझे तोड़ पाना किसी के लिए संभव नहीं है। लेकिन मैंने वही बोला ना, समुद्र की लहरें जो है धीरे 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 करके उन चट्टानों के घमंड को, अभिमान को चूर कर देती है। और कुछ तो क्या है, पानी रेत के रूप में समुद्र के नीचे, आपने देखा ना बालू, आपने बालू देखी होगी समुद्र के किनारों पर, के रूप में जो है वो चट्टाने जो है एकत्रित होती रहती हैं और कुछ बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में हमें मिल जाएंगे। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी बहती थी। क्या है? पर्वत की अंधेरी घाटियों में, आपने हिमालय की बेटियां पाठ जो है उसमें ये भी पढ़ा होगा कि पर्वत का मतलब जो जितनी भी नदियां हैं अंत में समुद्र में मिल जाती हैं। पाठ में क्या बताया था, हिमालय की बेटी पाठ में, कि हिमालय को एक तरीके से हिमालय पर्वत जो है उसको पिता बताया था और जो उससे निकलने वाली नदियां जो थी उनको किसका नाम दिया था, बेटियों का नाम दिया था, ये बेटियों की संज्ञा दी थी। और बोलते हैं कैसे अल्लड़ बालिका के रूप में हिमालय की बेटियां जो पाठ था उसमें लेखक ने नदियों को हिमालय के अल्लड़ बेटियों के रूप में चित्रित किया था और कहा था कि अंत में हिमालय जो है अपनी अल्लड़ बेटियों का हाथ जो है किसके हाथ में, समुद्र के हाथ में सौंप देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अंत में जो सारी नदियां हैं वो किससे जाकर मिल जाती है, समुद्र से मिल जाती है। तो पर्वत के अंधेरी घाटियों में एक नदी बहती थी, अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती हुई, आपने देखा होगा जब हिमालय पर्वत से नदियां उतरती हैं तो कई सारे चट्टानों, ठीक है, और पत्थरों को तोड़ती हुई समतल मैदानों तक पहुंचती है। शोर मचाती हुई नदी बड़े जोर से मैदानी इलाकों पर पहुंचती है और अंत में समुद्र की लहरों से या समुद्र में जाकर मिल जाती है। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता है, लेखक कहता है कि जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता है वहां लहरें दूध के झाग के समान दिखाई देती है। मीन्स आपने देखा होगा ना कि जब दो नदी मतलब यानी कि पानी का फ्लो दो तरीके से दो तरफ से आकर एक जगह मिलता है तो क्या है, दोनों में टकराव होता है, जो झाग बनते हैं किसके समान प्रतीत होते हैं, सफेद दूध के समान प्रतीत होते हैं। अब बताया है, अब आगे लेखक किसके बारे में कहना चाहता है, सांप के बारे में। देखो सांप क्या कहना चाहता है, लेखक कहता है कि अब यहाँ पर सांप जो है उसके मस्तिष्क में किस तरह की बात चल रही है, अपनी गुफा में बैठा सांप कुछ सांप सब कुछ देखा करता था, उसके बाद देखने के लिए वहां ऐसा और कुछ भी नहीं था। ठीक है,
वो सिर्फ वहां बैठे बैठे उस पानी और दुर्गंध भरे, मैंने सुने की उसके पास एकदम उतना दुर्गंध भरी वो पानी की जो सीलन थी वहां थी, और दूसरा क्या था देखने के लिए उसको पानी की लहरें फैन ठीक है जो पानी के झाग भरे जो फैन होते थे वो देखने का था, उसके पास कुछ भी नहीं थे। तो अपनी गुफा में बैठा सांप सब कुछ देखा करता था, लहरों का गर्जन, लहरों में जो गर्जना होती थी ठीक है, जिसे सुनकर हम भयभीत हो जाते हैं, जिसके किनारे रहकर भी इसे एक तरीके से देखा जाए तो मन में विभिन्न प्रकार के भय जो है हमारे मन में व्याप्त होते हैं, पानी के शोर से हमारे मन में विभिन्न प्रकार के भय व्याप्त होते हैं। उन गर्जना को उस शोर को बहुत ही करीब से सांप जो है लगातार सुनता था और उसी में आनंद की अनुभूति करता था, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि जिस जगह पर वह है वह पूर्णतः सुरक्षित है। आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां दूर से देखते हो, जब वो पहाड़ियों को देखता था, टेढ़ी मेढ़ी गल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी हुई आवाजें, जब नदियों का सागर सुदृढ़ होता था उस चीज को वह देखता था और मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन गर्जन होते हुए भी सुखी और सुरक्षित है, मेरे सब कुछ शोर सब कुछ होते हुए भी उसको ऐसा महसूस होता था कि उन पहाड़ अंधेरी गुफाओं के बीच में सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि वहां तक पहुंच पाना किसी के लिए संभव नहीं है। तो अपने आप को बड़ा ही सुरक्षित और ठीक है, यानी उसी में उसको आनंद की अनुभूति सुरक्षित महसूस करता था और उसी में उसको आनंद की अनुभूति होती थी। कोई उसे दुख नहीं दे सकता, वो उसे लगता था कि इस अंधेरी गुफा में उसे दुख पहुंचाने वाला कष्ट देने वाला कोई नहीं है, सबसे अलग सबसे दूर अपनी गुफा का स्वामी है ठीक है, यानी कि उसकी गुफा उसके निवास स्थान पर कब्जा करने वाला भी कोई नहीं है, अर्थात उस गुफा का वह स्वामी है, उसे ना तो किसी से लेना ना किसी से देना, दुनिया के भाग दौड़ छीना छपी से वह दूर सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख है। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई दुश्मनी दोस्ती नहीं, ना तो किसी से कोई दोस्ती ना किसी से कोई दुश्मनी ना किसी से कुछ लेना ना देना, किंतु अकेले जीवन व्यतीत करना कितना कठिन होता है। लेकिन क्या है स्वार्थ के प्रति का डरपोक था, ठीक है, ऐसा भी जीने में कोई लेकर कहना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों का जीवन जो है वो उनका जीवन जो है एक तरीके से व्यर्थ है, ठीक है, एक धरती पर बोझ की तरह होता है। आगे लेखक कहता है, एक एकाएक आकाश में उड़ता हुआ फूल से लगभग एक बार सांप की उस गुफा में आ गया। अचानक से क्या हुआ, एक दिन जो की आशा से विपरीत ऐसा भी हो सकता है, जैसा कि मैंने वही बोला ना आपको कि किसी चीज का कोई भरोसा नहीं होता, सांप क्या सोचता था कि वह अपने गुफा में एकदम सुरक्षित है, वहां तक पहुंचना किसी के लिए संभव नहीं है, यह उसके उसका सोचना था, किंतु कुछ भी असंभव नहीं है। अचानक से एक बार एक घायल सांप जो है उसकी गुफा के पास आकर गिरा, मिस घायल सांप आकर गिरा तो मिस एक जीवित एक घायल बाज आकर गिरा तो एक जीवित बाज का वहां तक पहुंच पाना भी असंभव नहीं था। तो वही बोला कि एक दिन अचानक आकाश में उड़ता हुआ खून से लटपट एक बार जो है सांप की गुफा में आ गया, उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, मींस किसी से युद्ध करके वो लौटा था, किसी से लड़ाई झगड़ा करके लौटा था, इसलिए उसकी छाती पर अर्थात उसके शरीर पर जख्मों के निशान जो है वो दिखाई दे रहे थे, पंख खून से लटपट थे, उसके पंख जो है पर फूल लगा हुआ था, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उसके पंख जो है वो फूल से लटपट थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हांफ रहा था, जमीन पर गिरते ही उसने दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लुटने लगा। मींस क्या कहने का सत्य तात्पर्य है कि जैसे ही वह जमीन पर गिरा और गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी, मींस चीखा तो सही
सीखने के साथ ही वह घायल होकर जमीन पर लौटने लगा और उसे देख कर सांप जो है, यानी कि घायल अवस्था में कौन था? घायल अवस्था में तो बाज था, लेकिन उस घायल बाज को भी देख कर सांप की हालत खराब हो गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था इस प्रकार से कोई पक्षी, कोई परिंदा जो है या उसको किसी प्रकार का कोई खतरा हो सकता है। आपको पता है कि बाज जो है वो सांप का शिकार करता है, तो ऐसी तो उसने कभी कल्पना ही नहीं की थी सांप ने। तो उस घायल बाज को देखकर भी सांप जो है उसका हृदय जो है कांप उठा, किंतु दूसरे क्षण उसने भाप लिया। किंतु थोड़ी देर में उसे इस बात की जानकारी हो गई, इस बात का तो उसे पता लग गया कि जो बाज है वो जीवन की अंतिम सांसें लेता है। ठीक है, ये बेटा अंतिम सांसें गिनना, ये भी क्या है हमारा मुहावरा है। ठीक है, अंतिम सांसें गिनना, मृत्यु के समीप होना, यह हमारा मुहावरा है। अंतिम सांसें गिनना अर्थात करने का तात्पर्य है कि मृत्यु के समीप होना। ठीक है, तो उस समय सांप को थोड़ी देर में इस बात की जानकारी हो गई थी कि उसकी मृत्यु जो है वो नजदीक है। इसकी बात करने से अब उसको किसी प्रकार का, उस बात से किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, इसलिए बाज ने, सांप ने बाज से डरना व्यर्थ सोचा, मतलब उसके हिसाब से अब उसे बाज से किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। यह सोचकर कि उसे उससे कोई खतरा नहीं है, उसने क्या किया, हिम्मत बांधी, मीन्स उसने हिम्मत की और रेंगता हुआ उस घायल बाज के पास, घायल पक्षी के पास। जब उसको इस बात की जानकारी हो गई कि अब उसको उस बाज से किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, तब धीरे धीरे वह अपने डर पर काबू पर पाकर और इसके पास पहुंचा, उस घायल बाज के पास पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें जान को किसी प्रकार का कोई झपट्टा मार दे। बहुत देर तक तो वह उसको देखता रहा, फिर मन ही मन कुछ होता हुआ बोला, जब उसे संतुष्टि हो गई, पूर्ण संतुष्टि हो गई उसके मस्तिष्क में, मन मस्तिष्क में इस बात की संतुष्टि हो गई कि भाई अब मुझे इस बाज से डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसने क्या कहा, खुश होता हुआ, देखो बड़ा खुश हुआ कि भाई मैं, मेरे मन में तो डर था कि भाई मैं इस बात से संतुष्ट था तो यहाँ कोई नहीं आ सकता है, लेकिन ये आ गया। आने के बाद में भी ठीक है, अब मुझे इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्या है ये घायल है और मुझे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, किसी प्रकार का कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, इसलिए वो खुश हो गया। और खुश होकर उसने उस बात से क्या कहा, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? क्या कहा उसने कि भाई तुमने इतनी जल्दी मरने की तैयारी क्यों कर ली? बाल ने एक लंबी आह भरी, ऐसा ही दिखता है कि आपकी बड़ी आग पहुंची है, आपकी बड़ी मीन्स अंतिम समय। ये भी हमारा बड़ा मुहावरा है, आपकी बड़ी आना मीन्स अंतिम समय आना। तो बाल ने एक लंबी आह भरी और लंबी आह भरते हुए कहा कि भाई तुम ठीक कह रहे हो, सांप भाई तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा तो अंतिम समय आ गया है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं। साथ में उसने ये बोलते हुए कि भाई अंतिम समय तो आ गया है भाई, लेकिन मुझे अपने जीवन से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, मेरी जिंदगी भी खूब रही। उसने अपनी जिंदगी की तारीफ करते हुए कहा कि भाई मैं संतुष्ट हूँ अपने जीवन से, मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। ठीक है, मेरी जिंदगी खूब रही। और क्या रही, उसने कहा कि मैं खुले दिल से आकाश में उड़ा, बिना डरे आकाश में उड़ा, जी भरकर मैंने अपनी जिंदगी को भोगा है, मीन्स मैंने जो जितना समय में जिया मस्त होकर जिया, किसी प्रकार का कोई डर ठीक है भय जो था मन में नहीं पाया। ठीक है, अपने प्राणों को बचाने के लिए मैंने अपनी इच्छाओं को मन में नहीं दबाया। उसने बोला जी भरकर उसे भोगा,
जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं भोगा हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी, इसमें दूर दूर तक आकाश की उड़ाने भरी, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप पाया। मीन्स मैंने पूरी हिम्मत करके जहां जो चाहता था, एक बार अपनी इच्छा होती है बहुत कुछ करने की इच्छा होती है और डर कर हम इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाते, ठीक है। तो बोला मैंने अपने डर पर काबू पाकर मेरी जो भी इच्छाएं थी उनसे मैंने पूरा करा। लेकिन साथ में ही उसने कहा तुम्हारा तो बड़ा दुर्भाग्य है यार, तुम तो बड़े दुर्भागी हो, दुर्भाग्य है तुम्हारा। क्यों, क्या दुर्भाग्य है? तुम जिंदगी भर सड़ी गली जो है गुफा में पड़े रहे, सीलन भरी गुफाओं में पड़े रहे, ठीक है। तुमने क्या जिंदगी को भोगा, तुम्हारी क्या जिंदगी है? तुम्हारी तो जिंदगी बड़ी बेकार है क्यों, क्योंकि तुम तो इस सड़ी गली गुफाओं में पड़े रहे। सांप बोला अच्छा, मतलब उसने जब तारीफ मारी किसने, बाद में जब आकाश की तारीफ मारी कि भाई मैं तो आकाश में लंबी लंबी उड़ाने भरी, तुमने क्या किया, तुम तो रात दिन इस सड़ी गली गुफा में पड़े रहे। अरे आकाश में जाकर देखो, ठीक है, जो मजा आकाश में है, खुले आकाश में है, वो इस सड़ी गली गुफा में कैसे है। सांप बोला आकाश, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा, आकाश का क्या करूंगा, आकाश ने आखिर रखा ही क्या है, क्या मैं तुम्हारे आकाश में रह सकता हूँ? ठीक है, ये कहना उसका बिल्कुल सत्य था बेटा कि भगवान ने पंख दिए हैं तो उड़ने के लिए दिए हैं और पैर दिए हैं तो चलने के लिए। तो कुछ जो हरेक का जो है अपना अपना तरीका होता है, तो उसने वो बात सुन ले बोली कि आकाश, आकाश को लेकर क्या मैं चाहूंगा, आकाश में आके रखा ही क्या है, क्या मैं तुम्हारे आकाश में रह सकता हूँ? हालांकि संभव नहीं था ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें मुबारक, तुम्हें मुबारक था, मीन्स तुम्हारे लिए ही अच्छा है, मेरे लिए तो ये गुफा भी, मीन्स मैं तो इस गुफा में ही खुश हूँ, इतनी आरामदायक और सुरक्षित जगह कहाँ मिलेगी, मीन मैं जहाँ रह रहा हूँ वो बड़ी ही सुरक्षित है और बड़ी ही आरामदायक, मैं तो किसी प्रकार से कोई परेशान नहीं हूँ, मैं अपनी लाइफ से खूब खुश हूँ। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। लेकिन मैंने बोला ना, जिस व्यक्ति जो व्यक्ति जहां रहता है उसको वही आनंद की अनुभूति होती है। मीन्स जिस जगह पर सांप बरसों से रह रहा था उसका आधे से ज्यादा धीरे दिमाग कट गया था, उसे तो वही जी जगह पसंद थी, लेकिन बाज के लिए उस अंतिम अंतिम क्षणों में भी उस सीलन वजीर वाली जगह, उस अंधेरी गुफा में अंतिम समय में भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ क्षण कारणा भी उसके लिए उस जगह पर भारी पड़ रहा था। तो उसने क्या किया, सिर उठाया और दूर आकाश की तरफ देखा और फिर उसने उस सीलन भरी गुफा में देखा और वह क्या देखता है, चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा है, चार मतलब से उसे गुफा में से, ठीक है, जब क्या है सागर की लहरें चट्टानों से टकराती हैं, जगह 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 चट्टानों में पानी भर जाता है और फिर उन चट्टानों के माध्यम से अंदर जो है पानी टपकने लगता है। तो वही चीज जो है बाज को वहां दिखाई दे रही थी, सीलन और अंधेरी डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी और जहां पर लगातार सीन होती है एक अजीब सी गंध होती है जिसे जो हमारे लिए सहन करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो वही बाज के लिए उस दुर्गंध को सहन करके, भाई वो तो खुली हवा में उड़ने वाला पक्षी, ठीक है, आपने देखा होगा खुली जगह में कोई भी बदबू जो है वो धीरे धीरे चली जाती है, ठीक है, लेकिन भाई वो लगातार सीलन के कारण उसमें भयानक बदबू थी जिसे सहन करना बाज के लिए बड़ा ही मुश्किल था। मानो ऐसा लग रहा था उसको मानो कोई चीज बरसों से वहां पर सड़ रही हो। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख उठी
आहा काश मैं एक बार फिर आकाश में उड़ पाती। अंतिम समय में भी उसके मस्तिष्क में एक ही बात आ रही थी कि काश ऐसा हो पाता कि मेरे पंखों में इतनी ताकत आ जाती कि मैं एक बार पुनः उस आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा रहा। मीन जब उसने चीख जब उसकी बाज की चीख निकली तो एक तरफ तो क्या है कि सांप को क्या लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो भैया कि जो सांप है वो सचेत हो जाए और उस पर आक्रमण कर दे, उसमें इतनी ताकत आ जाए कि वो मुझ पर आक्रमण कर दे। एक बार का तो डर सांप को यह था, लेकिन फिर भी उसे लग तो गया था कि भाई सांप अब बाज में उतनी हिम्मत नहीं है। तो क्या है, क्या लिखा है आगे, बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ चिटपटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा जागृत हुई और उसकी यानी कि जैसी इच्छा के साथ बाज जो है आकाश को देख रहा था, उसे देख कर एक बार तो सांप के मन में भी इच्छा हुई कि भैया अंतिम क्षणों में भी जब बाज उस आकाश में उड़ना चाहता है तो कुछ तो खासियत होगी भाई। सिटपिटाना का मतलब होता है क्या, सिटपिटाना मतलब होता है किसी चीज से डरना, ठीक है, डर जाना या सिमट कर एक जगह पर बैठ जाना, ठीक है। सिटपिटाना, सिटपिटाना वही होता है किसी डांट दो तो सिटपिटा जाए, डर से सिटपिटा जाए, सहम जाना, ठीक है। तो क्या है, एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके व्योग में बेटा अटेंडेंस से मत बोलो, अटेंडेंस मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आज आप लोगों की अटेंडेंस लास्ट में होगी, जो लास्ट तक बच्चे प्रेजेंट रहेंगे सिर्फ उन्हीं की अटेंडेंस ली जाएगी, ठीक है। और ये चीज मैंने पहले भी बोली है बेटा कि अटेंडेंस आप लोगों की रोज ली जा रही है तो व्यर्थ में नहीं ली जा रही है, ये जो अटेंडेंस जो है आपको इसके भी मार्क्स मिलेंगे। तो क्या है, इच्छा पैदा होगी जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर झटपटा रहा था। अब क्या हुआ, उसने बाज से कहा यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तुम सिरचान किनारे ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते। अब जब सांप ने देखा कि बाज जो है आकाश में उड़ने के लिए आकाश की ऊंचाइयों को छूने के लिए बड़ा ही व्याकुल है, तो उसने हिम्मत करके और सांप से बोला, उससे बाज से बोला कि भाई जब तुम इतने ही बड़े बहादुर बनते हो, अपने आकाश से तुम्हें इतना ही लगाव है, तो क्यों नहीं एक बार और फिर प्रयास करते उस आकाश की सीमाओं को छूने के, आकाश में उड़ने के लिए तुम पुनः प्रयास क्यों नहीं करते। हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको, कोशिश करने में क्या हर्ज है। उसने कहा भाई हो सकता है कि तुम कोशिश करो और हो सकता है कि पुनः आकाश में उड़ जाओ, मीन्स अगर तुम कोशिश करो तो हो सकता है कि एक बार पुनः आकाश की सीमाओं को छू सको, तुम्हारे पैरों में इतनी ताकत बाकी हो। तो उसने क्या किया, सांप ने उसका उत्साह बढ़ाने का प्रयास किया और उत्साह उसी का बढ़ाया जा सकता है जिसके मन में उत्साह हो, कुछ कार्य करने की इच्छा जिस व्यक्ति के मन में हो उसी को उस चीज के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अगर जो व्यक्ति के मन में किसी प्रकार की इच्छा ही नहीं हो, ठीक है, कोई लक्ष्य ही जो किसी ने नहीं मन में रखा हो, किसी की कोई इच्छा ही नहीं हो, तो उसको उस चीज के लिए प्रेरित करना संभव ही नहीं होता। एक तो क्या है, सांप के मन में ये डर था कि कहीं ऐसा नहीं हो भैया सचेत हो जाए, ठीक हो जाए और मुझ पर ही आक्रमण करे, तो वो भी उससे क्या करना चाहता था, पीछे छुड़ाना चाहता था। तो उसका उत्साह बढ़ाते हुए उसने क्या कहा कि देखो हो सकता है तुम्हारे पंखों में और तुम्हारे पैरों में इतनी ताकत हो कि तुम उड़ने का प्रयास करो, पुनः आकाश की सीमाओं को छू लो, बाज में एक नई आशा जाग उठी। मैंने बोला ना जो बहादुर होते हैं, निडर होते हैं, वो अंतिम समय तक भी कोशिश करना नहीं छोड़ते, वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक भी अपना प्रयास मैम अटेंडेंस, अटेंडेंस बीच बीच में मत बोलो, लास्ट में ली जाएगी। बाज में एक नई आशा जाग उठी, बाज के मस्तिष्क में
आया यहाँ पे, हो सकता है कि मैं प्रयास करूं तो पुनः आकाश की सीमाओं को छू। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारों तक लाया और उसने प्रयास किया, और प्रयास कर उसने क्या किया, अपने घायल शरीर को चट्टान के किनारे तक लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक गई और भारत तक आकर उसकी आकाश की जो है, यानी खुले आकाश को जब देखने देखा तो उसके मन में पुनः जो है उत्साह जो है वो जागृत हो गया। उसको पुनः लगने लगा कि उसके मन में यह बात फिर से आने लगी कि हो सकता है कि शायद वो प्रयास करे तो सफल हो जाए। उसने गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में उड़ पड़ा। ठीक है, वही मैंने बोला यहाँ पर लेखक ने बहादुर वीर जवानों के लिए और बहादुर लोगों के लिए, ठीक है, जो बहादुर से जीवन जीते हैं उनके लिए कहने का प्रयास किया है कि जो बहादुर व्यक्ति होते हैं वो अंतिम समय तक भी प्रयास करना नहीं छोड़ते। तो वही उस बात ने कहा, वह कैसे भी करके घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक अपने शरीर को ले आया, घायल अवस्था में वहां तक पहुंचा और फिर उसने क्या किया, उसने क्या किया, फिर उसने वहां से पुनः उड़ान भरी। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी, किंतु वह बोलते हैं कि पूर्णतः घायल हो चुका था, पूरी तरह घायल हो चुका था, उसके पंखों में अब इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ जो है सहन कर पाते। मींस बाज का शरीर बहुत हैवी होता है ना, भारी होता है, तो वो बोलते हैं कि बाज के पंखों में और पैरों में इतनी ताकत नहीं थी कि उसके शरीर के बोझ को उठा पाते। और क्या किया, उसने प्रयास किया, बाज ने प्रयास किया, किंतु वह पुनः जमीन पर गिर पड़ा और एक लहर द्वारा उसे अपने साथ बहा ले जाया गया। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया, उसके थके मांदे शरीर को सफेद फैन ने ढक लिया। ठीक है, और क्या लिखा है कि उसके, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो वीर पुरुष होते हैं, ठीक है, जो बहादुर होते हैं उनकी सदैव प्रशंसा होती है, ठीक है, उसको सराहाया जाता है, अमर होते हैं, ठीक है, और लोगों के हृदय में वास करते हैं। उसके थके मांदे शरीर को सफेद फैन ने ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेट कर उसे अपने साथ सागर की ओर ले गया। और इस प्रकार से बाज का जीवन जो है, बाज मर गया, लेकिन बोलते हैं कि एक तरीके से देखा जाए तो एक स्वतंत्र सेनानी के रूप में जाना गया, यानी कि एक वीर था, इसलिए उसकी वीरता की कहानी जो है गीत के रूप में सागर की लहरों में हमें सुनाने का प्रयास किया। लहरें चट्टानों पर सिर ढूंढने लगी, मानो बवाज की मृत्यु पर आंसू बहा रहे हैं। लेखक ने कहने का प्रयास किया है कि वीर जवानों की मृत्यु पर सारा संसार जो है अश्रु बहाता है। तो उस समय लेखक कहता है कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सागर की लहरें जो है, या नदी की जो लहरें चट्टानों पर से ढूंढने लगी, मीन्स जो लहरें थी जो चट्टानों पर चट्टानों से टकरा रही थी, ठीक है, उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो अश्रु बहा रहे हैं, उसकी मृत्यु पर दुख शोक मना रहे हैं। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टानों की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा, किंतु क्या है, कौन, बाज ने तो अपने प्राण त्याग दिए और सागर की लहरों में विलीन हो गया, लेकिन क्या हुआ, सांप जो था उसके मन में यह बात आने लगी कि भाई आकाश में ऐसा क्या था जिसके कारण बाज ने, जो कि अपने प्राणों को किसी प्रकार के लिए कुछ समय तक बचा सकता था, या यूं कहो कि हो सकता है कि वह पुनः जीवित ही हो जाता, तो आकाश में ऐसी क्या खासियत थी जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। ठीक है, आकाश की असीम शून्यता में ऐसा क्या आकर्षण था, कौन सोचता है, सांप सोचता है कि आकाश की असीम शून्यता में ऐसा क्या आकर्षण था जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए।
वो खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ही गया। चार बोलता है कि भाई उसने बात जो है उसने आकाश के लिए यानी कि आकाश में उड़ने के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, तो आखिर इस आकाश में ऐसा क्या है। अब उनको उसका मंथन जो है उसका मस्तिष्क जो है उसमें उधेड़ बुन से चलने लगे। ठीक है, उसका मन मस्तिष्क सोचने लगा कि आखिर आकाश में ऐसा क्या था जिसके लिए उस घायल बाज जो है अंतिम क्षणों में भी उसमें उसकी सीमाओं को छूने का प्रयास करना चाहता था या आकाश में उड़ना चाहता था। वो तो चला गया लेकिन मेरा चैन, दिल का चैन जो है वो ले गया। अर्थात उसके मन में जो है उथल फुथल चलने लगी, न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है, एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा। लगा भाई एक बार तो मैं भी देखूंगा कि आकाश में ऐसा क्या है जिसके लिए बाज ने अपने प्राणों को संकट में डाला। ठीक है, वो चाहता तो हो सकता है उसके प्राण बच जाते या कुछ समय के लिए वो जीवित रह पाता, तो निश्चित ही कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ रहस्य छिपा है जिसके लिए उसने प्राणों की बाजी लगा। कम से कम उस आकाश का स्वाद एक बार तो अवश्य चखूंगा, यह कहकर बाज ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे बैठकर अपने आकाश को शून्यता में छोड़ दिया। मीन्स सांप जो है उसने भी धीरे धीरे रहता हुआ एक चट्टान की तरफ बढ़ने लगा और अपने शरीर को सिकोड़ कर मीन्स उसने कुंडली मारी और एक चट्टान पर बैठ गया और अपने शरीर को उसने हवा में उछाल दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की तरह लकड़ी की तरह चमका, लेकिन क्या है हम भी जैसे कहीं से हम ये सोचे हमारा क्या है, हमें भगवान ने पैर दिए पंख में ही नहीं बेटा उड़ने के लिए, हम सिर्फ चल ही सकते हैं। ठीक है, हम में इस तरीके से मूर्खता करें जैसे कि सांप ने मूर्खता की थी, वो उसके लिए उड़ना संभव नहीं था लेकिन उसने क्या किया था, बाज की बातों को उसमें आकर और उसने उड़ने का प्रयास किया। तो ठीक है, और क्या हुआ, वो जमीन पर दम से गिरा। किंतु जिसने जीवन भर रहना सीखा हो वह भला क्या उड़ पाता, नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर थप से सांप का शरीर सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया। वो बोलते हैं कि ईश्वर की कृपा से वो बच ही गया, मरने में तो क्या कसर बाकी थी, अगर थोड़ा सा और ऊंचाई से कूदा होता सांप को मस्तिष्क में आ रहा था, अगर थोड़ी सी और ऊंचाई से कूदा होता तो हो सकता है कि मैं अपने प्राणों को ही त्याग देता। सांप हंसते हुए कहने लगा, तो उड़ने का यही आनंद है, यह मैंने मूर्खता की उड़ने की, जो मूर्खता उसने बाज में की थी और उसका रिजल्ट मेरे सामने था, घायल होकर जमीन पर पड़ा था और दोबारा जब उड़ने का प्रयास किया तो सागर की लहरें जो उसे अपने साथ बहा ले गई। तो भैया यही आनंद है, इससे ज्यादा कुछ भी आनंद नहीं है। नीचे छोटी छोटी चट्टान, हाँ पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, क्या सोचता है पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अंजाम रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहता है। धरती में जो सुख है वो कहाँ है, और उसको छोड़कर कहाँ आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं या आकाश को छूना चाहते हैं। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा भैया, मैं तो अपनी इस शीलन भरी गुफा में अंधेरी गुफा में ही सुरक्षित हूँ। केवल ढेर सी रोशनी के सिवा मीन्स रोशनी के सिवा आकाश में और है ही क्या, शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं, फिर वे पक्षी किस बूते पर इतने डींगे हाँकते हैं, इसलिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा, मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया भैया, अभी मैंने प्रयास किया आकाश में उड़ने का और उसका रिजल्ट मेरे सामने है, परिणाम मेरे सामने है। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था, उसी की बातों में आकर आकाश में कूदा था। उसने बोला कि जैसा बाज जो है तारीफें कर रहा था आकाश की, ऐसा तो भाई मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, ऐसा तो मुझे कुछ प्रतीत नहीं हुआ उस बाज की आंखों, उस बाज के चक्कर में आकर हो सकता है कि मैं अपने प्राण गंवा देता, ईश्वर भला करे मरते मरते बच गया, ये तो ईश्वर की कृपा है कि मैं मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और पक्की हो गई कि अपनी कोकल में कोकल से बड़ा सुख और कोई नहीं,
मीन्स पहले थोड़ी देर के लिए मेरे मस्तिष्क में बात आई थी कि हो सकता है कि मैं डर से यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, अर्थात मैं एक ठीक है कायर हो गया जीवन व्यतीत कर, लेकिन अब मुझे महसूस हो गया भैया इससे ज्यादा सुख और कहीं नहीं है, धरती पर रह लेता हूँ मेरे लिए ये बहुत कुछ है, मुझे आकाश की स्वच्छता से क्या लेना देना, मुझे आकाश के स्वतंत्रता से स्वच्छता से कोई मतलब नहीं है, मैं तो अपने इस रहने में धरती पर ही मस्त हूँ, मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल काम काम जाता है, अपने प्राणों को खतरे में डालना प्राण की चतुराई है। क्या कहता है कि इस तरीके से जो है जोखिम उठाना और जोखिम उठाकर अपने प्राणों को खतरे में डालना ये तो बड़ी ही मूर्खता है। सांप सोचने लगा कि बाज भागा था जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। उसने क्या कहा, सांप सोचने लगा कि बाज क्या था, अभागा था, अभागा बोलते हैं भाग्यहीन एक तरीके से, ठीक है, जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। कहने का तात्पर्य है कि अगर वो चाहता तो हो सकता है कि वो बच जाता और कुछ समय और जीवित रह पाता, किंतु उसने क्या किया, उस थोड़े से आकाश की स्वच्छता स्वतंत्रता को पाने के लिए अपने प्राण को गंवा दिया। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत किया। थोड़ी देर बाद किसने, उसने देखा कि चट्टानों के नीचे से कोई आवाज सुनाई दे रही है, कैसा संगीत सुनाई दे रहा है, मधुर संगीत की आवाज आने लगी उसे। पहले उसने उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं, इतने समय से रह रहा था, किंतु उसे अब अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यहाँ पर भी कोई किसी के गीतों की आवाज आ सकती है। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान के नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरण में समुद्र का नीला जल झिमला रहा था। पहली बार उसने वहां पर पहले ही उसके साथ ऐसा हुआ था, इसलिए वह बाहर निकलकर उस चीज को देखने का प्रयास करने लगा। मेघोती समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे, लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है, ठीक है। अंत में लेखक कहना चाहता है कि उन साहसी लोगों के लिए इस गीत की चर्चा की गई है जो अपने प्राणों को हथेली पर लेकर कर घूमते हैं, तो प्राणों को हथेली पर लेकर घूमना, ठीक है, प्राणों को हथेली पर खतरे में डालना यानी मृत्यु को बुलावा देना है, प्राणों को हथेली पर लेकर घूमना मीन्स मृत्यु की परवाह ना करना, ठीक है, प्राणों को हथेली पर लेकर घूमना बेटा मृत्यु की परवाह ना करना। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर, और प्राणों की बाजी लगाना, प्राणों की बाजी लगाना मीन्स प्राणों को खतरे में डालना, हर खतरे का बहादुरी से सामना करता है, ठीक है। तो क्या है, वही व्यक्ति सही होता है जो जिंदगी जीता है, सही जिंदगी जीता है जो अपने प्राणों को खतरे में डालकर बहादुरी पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून के एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश मीन्स यानी जो भी व्यक्ति अपने प्राणों को निछावर कर देश की तरक्की देश की आजादी का प्रयास करता है उसका गुणगान जो है हर व्यक्ति या सदियों तक उसका गुणगान होता रहता है। बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के प्रेम के पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया किंतु फिर भी तुम अमर हो गए मीन्स तुमने अपने प्राण ने उछावर कर दिए लेकिन फिर भी तुम अमर हो गए। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते। मेरे इस कहने का तात्पर्य है कि अपने जीवन को खतरे में डालकर देश के लिए जो कार्य करते हैं उसको समाज और देश के लोग जो है देश जो है अंतिम समय तक भी याद करता है, ठीक है बेटा।